हेलो दोस्तों, आज मैं आपको तंदूरी रोटी बनानी सिखाऊंगी। तो ये मैंने आटा लिया है, 250 ग्राम आटा है ये। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको हम रोटी की तरह ही आटा लगाएंगे। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, इसी तरह हम इसको लगाएंगे। बस नमक डालेंगे थोड़ा सा, इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। तवे पे बनाऊंगी मैं तंदूरी रोटी। और पानी से हल्के हल्के से गूंथेंगे। आज मैं आपको दोनों तरह की रोटी सिखाऊंगी, स्टफिंग वाली भी और प्लेन तंदूरी रोटी भी। तवे पे बनाएंगे हम। तो धीरे धीरे पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ। नॉर्मल आटा मैंने गूंद लिया है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदा है। अब इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। मैं इसको ढक के रख दूंगी। इसके बाद मैं तंदूरी रोटी बनाऊंगी तवे पे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम इसको बना लेंगे। ये स्टफिंग के लिए आलू मैंने उबाल लिए थे, इसको मैं छील लेती हूँ और स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम आलू को छील लेते हैं। ये आलू मैंने उबाले हैं स्टफिंग के लिए, तो इसको तैयार कर लेते हैं। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आलू को मैंने मैश कर लिया है और मसाले मिक्स कर लिए हैं और मेरा आटा भी रेडी हो गया है। तो चलिए बनाते हैं नान। नान नहीं, सॉरी, तंदूरी रोटी। आटा सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसकी इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाएंगे। इतना बड़ा पेड़ा ले लेंगे हम। सूखा आटा लगा के हम रोटी की तरह ही इसे बेलेंगे। बीच में हम पहले मैं आपको प्लेन रोटी बना रही हूँ, तंदूरी प्लेन रोटी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अंदर, रोटी को बेलेंगे। इतना बड़ा बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल अंदर लगा देंगे। इसको ऐसे चारों साइड से बंद कर देंगे, जैसे हम पराठे के लिए बंद करते हैं। अब इसको बेल लेंगे। गोल लंबा किसी भी तरीके से आप बेल लीजिए, कोई भी शेप में। पानी में इसके एक तरफ पानी लगा दूंगी इस तरह। मैंने इसके एक साइड पर पानी लगा दिया है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा गर्म हो गया है और इस तरह हम डाल देंगे इसको। और आपको मीडियम रखेंगे, ना ज्यादा तेज ना कम। अब मैं दूसरा पेड़ा बेलूंगी। ये मैं आपको आलू स्टफ करके दिखाऊंगी इसमें।
ये हम भरी हुई रोटी बनाएंगे। अब जो रोटी ऊपर से सिकने लगती है तब हम इसको तवे से ही पलट के सेकेंगे। रोटी ऊपर से सिकने लगी है, अब हम इसको मीडियम आंच पे, मीडियम से थोड़ी लो आंच पे इसको इस तरह सेकेंगे। तवे को उल्टा कर देंगे और इस तरह हम सेकते रहेंगे रोटी को। बीच बीच में चेक कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए रोटी सिक चुकी है। अगर आप ज्यादा इसको करारी करना चाहें तो और भी करारी हो सकती है इस तरीके से। अब इस गैस पे से हम इसको उतार लेंगे। देखिए अब ऐसे हम इस पे बटर लगा देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लगा देंगे। ये हमारी प्लेन तंदूरी रोटी तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी रोटी बेलूंगी। अब इसमें मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट ही आलू लगाऊंगी। ये आलू हम इसमें भर लेंगे। जितने ज्यादा भरे हुए होंगे उतनी अच्छी रोटी लगेगी। तो ये देख लिए मैंने कितने सारे आलू भर लिए इसमें। अब इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे यहां से बंद करके। अब इसको भी बेल लेंगे हम। मैं फिर पानी लगा दूंगी इसके एक साइड में। किनारों पे भी अच्छे से लगा देंगे पानी। अब इसको भी मैं डायरेक्टली तवे पे ऐसे डाल दूंगी। आपको मीडियम कर देंगे। रोटी हमारी सिकने लगी है, अब इसको हम पलट के सेकेंगे ऐसे ही। ऐसे चेक करते रहेंगे इसको। ये रोटी भी हमने बना ली है, इसको भी मैं ऐसे उतार लूंगी।
अब ये रोटी भी हमारी सिक चुकी है, इस पे भी हम बटर लगा लेंगे। इस पे भी मैंने बटर लगा दिया है, थोड़ा सा धनिया लगा दिया है। तो अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए हमारी तंदूरी रोटी बनके तैयार हो गई है। इसे अचार और दही के साथ मैंने सर्व किया है। तो आप इसे दाल मखनी के साथ या किसी चीज के साथ भी खा सकते हो, कोई भी सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। और देखिए कितने अच्छे बने हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी बना के खाइए।